हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 यानी कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, जो कि लेटेस्ट वर्कआउट 6.2 में है, मैथ नंबर 1 से लेकर मैथ नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके थे। 15 तक, तो इस वीडियो में हम लोग 16 नंबर के मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि VSA या फिर बोल सकते हैं MCQ। ठीक है, तो चलिए एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज, तो बोलता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सालाना क्या होता है, इक्वल अनइक्वल, बोथ इक्वल एंड इक्वल और अनइक्वल, नन ऑफ दिस। तो ये होगा क्या स्टूडेंट्स, ये होगा इक्वल। तो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल, सालाना जो है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की हालत में जो है सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आइए दो नंबर। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में द प्रिंसिपल रिमेन्स अनचेंज ईच ईयर, हर साल जो है प्रिंसिपल अनचेंज होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता उसमें, प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर, प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाते हैं। द उसके बाद है सी नंबर में, प्रिंसिपल मे बी इक्वल और अनइक्वल इन ईच ईयर, प्रिंसिपल इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है हर साल, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर, प्रिंसिपल जो है हर साल जो है चेंज हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। थ्री नंबर, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज पी इफ इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर एट अ पर ईयर बी 2 आर पर्सन, द पॉपुलेशन विल बी आफ्टर एन ईयर्स। तो बोलता है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन एक गांव के कितने पी है और पॉपुलेशन जो है 2 आर पर्सन हर साल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन एन ईयर्स के बाद कितने होंगे वो निकालना है। तो कितना नंबर इसको सॉल्व करेंगे, 16 का थ्री नंबर। ठीक है, 16 का थ्री नंबर, पॉपुलेशन कितना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कितना पी, रेट ऑफ इंक्रीज 2 आर पर्सन, टाइम यानी नंबर ऑफ ईयर्स एन ईयर्स, तो देयरफॉर द पॉपुलेशन विल बी आफ्टर एन ईयर्स पी 1, रेट ऑफ इंक्रीज होता है तो प्लस, रेट ऑफ इंक्रीज कितना 2 आर बाई 100 होल एन, एन कितना है एन ही है, और पी मतलब प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल का जगह क्या बैठेगा, पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2 2 से काटने से यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 5 10 जीरो का ज़ीरो, तो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 50 होल एन कितना, आर बाई 50, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 50 होल एन, ये आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे है कि नहीं, ए नंबर है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर बाई 100, बी नंबर है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 50 होल एन, तो ये आंसर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 50 होल एन, और याद देखिए पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 हो आर बाई 50 होल एन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आइए चार नंबर को पढ़ते हैं। प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹2, एंड इफ प्राइस ऑफ द मशीन डिक्रीजेस बाय 2 आर पर्सन इन ईच ईयर, द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन कितना है,
टूपी, और प्राइस जो है हर साल जो है 2% जो है घट रहा है, तो 2 साल के बाद प्राइस कितने होंगे वो निकालना, ठीक है। चलिए 16 का फ़ोन नंबर को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना है? ₹100, और अमाउंट कितना है? ₹121, और टाइम यानी नंबर ऑफ इयर्स कितना? 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को क्या करना है? निकालना है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करना है? निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि P × 1 + R/100 n = A, यानी अमाउंट, और P कितना है? 100, उसके बाद 1 + R तो निकालना है, नीचे 100 होल एन, एन कितना? 2 ईयर्स, ए अमाउंट कितना है? 121, और 100, ये नीचे अगर 100 का एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस क्या होगा? आर होल स्क्वायर, इधर 121, और 100 + R/100 होल स्क्वायर, और ये 100 क्या होगा? 121 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 100 + R/100 होल स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, और 100 + R/100 11/10 00 कैंसिल, जब बीच में इक्वल टू होगा तो नीचे नीचे भी काटेगा, ठीक है, तो नीचे 00 कट गया, और तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर नीचे 1 है, तो 100 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 100 ही होगा, प्लस R के साथ 1 को गुना करेंगे तो R ही होगा, और इधर 11 है, इधर यहाँ कितना है? 10, 11 और 10 को गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, और R को रख लेंगे 110 माइनस ये 100 इधर आने से प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इधर आने से माइनस हो जाएगा, तो 100, तो देयरफॉर R इक्वल टू कितना आ गया? 110 में 100 माइनस हो जाने से कितना? 10, तो देयरफॉर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? देयरफॉर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 10%। तो ये क्या हो गया आंसर? तो देखते हैं कि 10% ऑप्शन में है कि नहीं, तो है पहले ही है एक नंबर में ही, तो ये है आंसर। ये मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो अब आइए 16 का बी नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या करना है, देखिए, लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये ट्रू फॉल्स लिखना है, 2 स्टेटमेंट दिया है, चलिए देखते हैं कौन ट्रू होता है कौन फॉल्स होता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम मनी एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स टाइम। तो बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है विल बी ऑलवेज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कम होता है सिंपल इंटरेस्ट से, फॉर सम मनी एट फिक्स रेट, फिक्स रेट पे कुछ पैसे के फिक्स रेट पे, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या, फॉर फिक्स टाइम। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी प्रिंसिपल का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और फिक्स टाइम पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कम होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये फॉल्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, फॉर सम मनी एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स टाइम। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स टाइम में फॉर सम मनी के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लेस नहीं होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर लेस बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज लेस, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज टू बी एडेड टू प्रिंसिपल एट द फिक्स टाइम इंटरवल, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो इन बोलता है कि इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट इज टू बी एडेड, इंटरेस्ट को जो है ऐड कर दिया जाता है टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में मतलब इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है।
एट द फिक्स टाइम इंटरवल, कब फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में, फिक्स इंटरवल टाइम में जो है इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है। डेट इज़, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल जो है, यानी प्रिंसिपल जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है कंटिन्यूसली लगातार। तो ये होगा ट्रू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो है, जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में एट द फिक्स टाइम इंटरवल में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। क्या, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है। किस केस में, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स, लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। सी नंबर है, सी नंबर का एक नंबर को देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन ईयर एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स सम ऑफ मनी आर। तो बोलता है द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन ईयर, एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है, एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स सम ऑफ मनी, और फिक्स सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल भी फिक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए जो है आर क्या होगा, आर इक्वल लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, सेम। तो चलिए इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए जो है एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स सम ऑफ मनी के लिए जो है इक्वल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल के लिए जो है इक्वल होता है, एक साल के लिए, दो साल रहने से इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इफ सम थिंग्स आर इंक्रीज बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई चीज इंक्रीज होता है बाय फिक्स रेट पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, डेट इज डैश ऑफ ग्रोथ, डेट इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ या फिर यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, यूनिफॉर्म रेट लगेगा यहाँ पर, और यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ होता है या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज, क्या हुआ, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तीन नंबर, इफ सम थिंग्स आर डिक्रीज्ड बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज, अगर कोई चीज डिक्रीज होता है बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिक्स रेट पे टाइम के साथ अगर कोई चीज घटता है तो दिस इज क्या हुआ, दिस इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज, क्या डिक्रीज। तो पहला वाला क्या हुआ, देखिए, इफ सम थिंग्स आर इंक्रीज बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई चीज इंक्रीज होता है बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो वो होगा यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज या फिर यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अगर इफ सम बोलता है, अगर इफ सम थिंग्स आर डिक्रीज, अगर कोई चीज घटता है बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई चीज घटता है फिक्स रेट पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज क्या हुआ, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज, अगर घटता है तो डिक्रीज, अगर बढ़ता है तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज या फिर ग्रोथ, ठीक है। तो बढ़ने से इंक्रीज या ग्रोथ, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज या ग्रोथ, और घटने से यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटिफुल डे, टाटा।